फरिश्ते हश्र के दिन ये कहेंगे आपस में, अदू अली का बहुत आज मुश्किल है, और अली हो जिसके लिए मीर कारवां काल, अली हो जिसके लिए अली हो जिसके लिए मीर कारवां इकबाल, फिर इसको कौन सा धड़का रहे निजात, अली हो जिसके लिए मीर कारवां इकबाल, फिर इसको कौन सा धड़का रहे निजात में है, और नजात में न मुकाबिल कोई सिफात में है, अली सा कौन बशर पूरी कायनात। ट्रस्ट और मकतबे अब्बास के लिए दुआगु हूँ, और खास तौर पर मैं दुआगु हूँ मेरे दोस्त किरमानी भाई, जिन्होंने ये तीसरी मरतबा हर साल ये मुझे इस नेकी में इस नेक काम में शरीक होने का मौका देता है, जैसे इनकी मुहब्बत है असद भाई की, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाह जिसकी वसी व बुलंद होती है, निगाह जिसकी वसी व बुलंद होती है, फकत उसी की तलब बहरमंद होती है। दिले नजिस में समाई कभी ना हो बेरी, कि ये बहुत ही नफासत पसंद होती है। मैं गुजारिश करूंगा शायर आले बाग जनाब सफदर हमदानी साहब से, जब तक वो स्टेज पर तशरीफ लाते हैं मैं ऐलान करता चलूं कि रमजान की अफ्तारी का चार्ट बाहर दीवार पर आवेदन कर दिया गया है, जो अस्हाब मोमिनीन को अफ्तारी करवाना चाहते हैं इस अजाखाने में अफ्तारी का इंतजाम होगा। आप हजार से गुजारिश है कि चार्ट पर अपना नाम या मौलाना साहब को अपना नाम लिखवा दें, शहरी का भी इंतजाम होगा, बाद में ऐलान करूंगा। आज भी शहरी का इंतजाम है, आज भी शहरी का इंतजाम है। मोमिनीन ग्राम मैं क्या मेरी बसात क्या, मैं आपको मुबारकबाद पेश करूं जिस मुबारक को फरिश्ते पेश कर रहे हों, परवरदिगार खुद पेश कर रहा हो, अइमा पेश कर रहे हों, मुझे आदत नहीं दुरूद पढ़वाने की, आप पढ़ना चाहें खुद पढ़। मैं अपने शेरों में कटौती कर रहा हूं ताकि तीन चार बातें मुझे करनी हैं और वो जरूर करनी है, और मौला के कॉल के मुताबिक करनी है कि बोलो, बोलने से आदमी पहचाना जाता है। मेरी चूंकि शनाख्त कोई नहीं है, यही एक नाम मेरी शनाख्त है। ये आखिर में पढ़ने का एक फायदा भी होता है, और फिर ये फायदा कम अज कम मुशायरों में नहीं, ये शायरी तो है ही नहीं, ऐसे लोगों को गलत फहमी है कि ये शायरी भाई शायरी होती तो आप जा चुके हो, ना आप अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जा सकते हैं, आप में से एक भी अगर हिम्मत है तो जाके दिखाए, जिसे जाना था वो जा चुका है। आपकी ना मेरी एक तारीख आज मौला के करम से रकम हुई बरतानिया मेरा ख्याल यूरोप में, और इसका सेरा स्कीनर ट्रस्ट के साथ मतलब अब्बास को भी जाता है कि पहली मरतबा इस सब जमीन पर मौला के नाम का कोई मकसद है 3.5 घंटे तक चला है और चल रहा है, माशाल्लाह। इसलिए जो लोग इसे शायरी समझते हैं खुदा के लिए वो शेर और मकासदे के दरमियान फर्क और मसूज खातिर खाते। सुन्नत अलवी ये है कि अपने मेज़बानों का शुक्रिया अदा करना, ये सुन्नत रसूल तो है ही, सुन्नत अलवी भी है। मैं खास तौर पर अगरचे मुस्तकिल आने वाला हूँ इस अदा खाने में, लेकिन आज की इस तकरीब के लिए अपने बरदर जाफर शाह साहब का ममनून हूँ कि उनकी मुआवनत आज के इस फंक्शन में हमें रही। अपमन का शुक्रिया भी अदा करना जरूरी है, ये कोई बात नहीं है कि आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करें, कि ये जिस किस्म का खूबसूरत स्टेज इस नौजवान ने तने तनहा बनाया है, मेरा ख्याल है वो दिल की सारी नसें जो डॉक्टर ने बंद करके खोलने की कोशिश की थी वो आपको बहुत खुल चुकी है। केरवानी साहब का शुक्रिया अदा करना जरूरी है कि दामे दर में सुखने
उन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाकर हम पे कोई ऐसा नहीं किया, शायद अपनी आखिरत के लिए कोई छोटा सा तोशा गोशा माशाल्लाह। आपका हम मुंह इसलिए कि आप अभी भी बैठे हैं और थोड़ी देर और बैठे रहेंगे। अल्लाह ताला आपको सिवाय हमारे हुसैन के कोई गम न दे। और देखिए ऐसी खुशियाँ हमारे यहाँ बहुत कम आती हैं, मैंने पहले भी कहीं कहा था और पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं कि इस दिन के लिए, और दूसरा दिन जनाब फातिमा सलामत का विलादत का है, आइमा ने ये कहा है कि इस दिन फकत चेहरे पर खुशी लाना ही इबादत है। असल में मजलिसें हम पर कुछ इस तरह से हावी हो चुकी हैं कि हम मिलाद को भी कुछ मजलिस के अंदाज में सुनते हैं, लेकिन मैं किरमानी का इसलिए भी शुक्र गुजार हूँ कि चाहे कैसे तैसे ही सही कम अज कम लोगों के चेहरे पर गुस्सा लग रहा है। हमने दो चीजों का एहतमाम इसी दिन के लिए छोड़े रखा था कि आज दुनिया में पहली इंटरनेशनल मर्सिया फाउंडेशन आज अभी से इसी वक्त से कायम हो रही है और इसमें हमारी सर पर, हमारे सर पर हाथ और सरपरस्ती मर्सिया के बहुत बड़े मौके। देखिए हमारी हमारे मसलक में भी ये प्रॉब्लम है, वैसे तो पूरे मुसलमानों में है कि हम अपने घर के लोगों को जैसे इग्नोर करते हैं। मैं इस बहस को कदम नहीं छेड़ना चाहता, मगर मेंबर है इसी मकसद के लिए कि आप हक की बात हक तक जरूर पहुंचाएं, चाहे जियाउल हक की पहचान पहचान। आशूर आदमी साहब ने पिछले 10 साल की मेहनत से तने तनहा वो काम किया जो यूनिवर्सिटियों में इदारों के करने का काम है कि 1450-1500 सफे की एक किताब मर्सिये की एक बहुत ऐसी मजबूत तारीख लिखी कि शायद अगले 10-15 बरस को कोई और लिख ना पाए। लेकिन हैरान है कि 1552 में एक को एक चिप्स और थोड़ी सी फिश खाने वाले लोग इस 1450 सफे की किताब को 1552 में लिखा। रोना फकत अजा का नाम नहीं है, रोने के ये भी मौके हैं, लेकिन आज चूंकि रोने का दिन नहीं है, दिन खुशी का है, इसलिए आपके सामने मैं ये अर्ज करूं कि इन्हीं की सरपरस्ती में इंटरनेशनल मर्सिया फाउंडेशन अभी इसी वक्त से कायम होगी। इसका ईरान इंशाअल्लाह अजीज कल अखबारात और इंटरनेट वगैरह में आ जाएगा। पहली मरतबा शायद आपके अज़ा खाने को भी ये एजाज मिला कि लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त दुनिया भर में कंप्यूटर पर दिखाई जाएगा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा। अमरीका के दो अदाखानों के बाद ये दुनिया का तीसरा अदाखाना है जिसमें से लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी। तीसरी बात करके चंद रुबाइयों और 8-10 बंद की तरफ जाऊंगा। ये मर्सिये की इंटरनेशनल पहली वेबसाइट जो लखनऊ में कायम की गई है, हुसैन अफसर साहब ना मर्सिया निगार हैं ना मर्सिया खान हैं, सिर्फ मर्सिया सुनने वाले। और ये ताना बख्शत खुदा बख्शिंदा वाला काम है कि कहाँ एक आदमी लखनऊ में बैठा हुआ उसने मर्सिये की एक वेबसाइट कायम की है। इसका इफ्तिताह भी आज ही हो रहा है शाम सुबह में फजर के बाद, और इंशाल्लाह इसका जो वेबसाइट एड्रेस है वो आप तक पहुंच जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो हमने शुरू नहीं किए, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें, अल्लाह ताला इसमें और परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद इसमें अपनी बरकत डालें, हमें इतना मौका दें कि इसको कम अज कम चला सकें, और फिर आप नौजवान इसको आगे बढ़ाइएगा। परवरदिगार आपको खुश रखे। आपकी आनंद इतनी ही काफी है कि आप वेबसाइट को पढ़िए, किताब को पढ़िए, और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए। दुरूद पढ़िए पर मोहम्मद। हुज़ूर जहाँ इकबाल ने खत्म किया था, वैसे तो उस इकबाल ने बहुत पहले खत्म कर दिया था, वहीं से शुरू करता हूँ। गवाह बना के आलम को सलाम करते हैं, गवाह बना के आलम को सलाम करते हैं, ये शाम आले मोहम्मद के नाम पर। गवाह बना के आलम को सलाम करते हैं, ये शाम आले मोहम्मद के नाम करते हैं। ये काम मैंने इसलिए किया है कि आप ये ना समझे रात हो गई,
अभी तो 12:30 बजे शाम हुई। ये शान आले मोहम्मद के नाम करते हैं, मैं वो फकीर हूँ सफदर के जिससे फज्र के वक्त अलम की शक्ल में मौला कलाम करते हैं। अलम की शक्ल में मौला कलाम करते सफदर दुआ है बूजरो सलमान की मुझे, बेशक अताए खास है रहमान की मुझे। आशूर भाई यूं तो नहस है मेरे लिए तीन का अदद, भाई आती है रास तीसरी शाबाश की मुझे। और जिस दुख का इजहार इकबाल ने किया, हर एक जीरू अली के नाम की तस्बीह पढ़ता है, भरम हर एक मुनाफिक का अली कहने से खुलता है। भाई अली के नाम पे जारी है तेरा रिश्त वाइल, मगर क्या यार अली कहने से तेरा दम निकलता है। कहने से तेरा दम निकलता है। और ऐसों की एक शक्ल इस्लामाबाद में नजर आई, ये मौजज़ा भी दोस्तों हाँ मेरे रब का था, ये मौजज़ा भी दोस्तों हाँ मेरे रब का था, जाहिर यहां पे फर्क हसब का नसब का था, बुरके से मौलवी कम निकलना ये मौजज़ा भी दोस्तों हाँ मेरे रब का था, जाहिर यहाँ पे फर्क हसब का नसब का था, और दादे थी पुरके से मौलवी का निकलना गलत। बहुत ताजा सुन लिया, रस्ते में गाड़ी रोक के मैंने ये शुगर के रुक गए। ज़हने आलिम इल्म से दो चंद होना चाहिए, शहर आलम इल्म से दो चंद होना चाहिए और रहनुमा कानून का पाबंद होना चाहिए। शहर आलम इल्म से दो चंद होना चाहिए, रहनुमा कानून का पाबंद होना चाहिए, और करबला के नाम पे काफी फिजारत हो चुकी काफी तजारत हो चुकी, बेचना हमने हुसैनी बंद कर दिया। रोशनी है अली के घर में फरक से जो नूर बह रहा है, मोहब्बतों के कमल खिले हैं पहाड़ नफरत का ठहर रहा है, तमाम शब आसमां से लेकर जमीन तलक जिक्र शह रहा है, अजब चल रहा है कह कचंबा मलक मलक से ये कह रहा है हुसैन मेरा
حسین تیرا حسین سب کا حسین حیدر کا مصطفیٰ کا حسین کا وہ جس نے عزت کتاب کی اور قلم کی رکھی حسین وہ ہے اور جس نے دشت بلا میں حرمت علم کی رکھی حسین وہ ہے وہ جس نے ظلمت میں آخ اس کے کرم کی رکھی حسین وہ ہے وہ جس نے تکریم حشر تک کو حرم کی رکھی حسین وہ ہے جو کربلا کی اندھیری راتوں میں روشنی ہے حسین وہ ہے شہادتوں کے سفر کا حاصل جو زندگی ہے حسین وہ ہے اور گلاب ہیں جو لہو کی خوشبو سی تازگی ہے حسین وہ ہے وزیر خنجر جو ایک پیاسے کی بندگی ہے حسین وہ ہے وہ جس نے لکھا ہے موت کا اپنی آپ عنوان حسین وہ ہے وہ نام جس کا سنے تو ظلمت قدے حجر زاں حسین وہ ہے قسم خدا کی خدا پہ ہی جس جری کا عرفان حسین وہ ہے وہ جس کی آمد پہ سب ملائک ہوئے غزل خان حسین وہ ہے حسین کشتی حسین طوفان حسین ساحل حسین خنجر حسین آلہ حسین بالا حسین مسجد حسین منبر حسین قاضی حسین قاسم حسین اصغر حسین اکبر حسین سجدہ حسین فردہ حسین گردن حسین خنجر حسین آقا حسین داتا حسین مولا حسین شاہ حسین ہادی حسین رہبر حسین سید حسین آیا دل نہیں ہے قسم خدا کی کہ دی پناہ ہے کہ حسین مرنے کا ایک رستہ حسین جینے کی ایک راہ ہے حسین سجدہ حسین کعبہ حسین صبح ظہور بھی ہے حسین مکہ نجف مدینہ حسین قرآن زبور بھی ہے لباس ہے عقل و آدھی کا حسین فکر و شعور بھی ہے عظامی وہ موج آسمان بھی حسین رب کا غرور بھی ہے اور حسین علی حسین والی حسین مسجد حسین ممبر حسین ہستی حسین بستی حسین پرچم حسین لشکر حسین گوہر حسین جوہر حسین تسنیم حوض کوثر حسین ہمت حسین جرت حسین خندق حسین خیبر حسین رہبر حسین صابر حسین روح ہے حسین جان ہے وہ نفت زہرا قرآن کا پارا حسین معراج عاشقاں ہے حسین منزل حسین ساحل اے خزاں کے موسم میں گلستاں ہے حسین گل ہے حسین گل ہے حسین گل ہے حسین گل ہے قسم شہادت کا آسمان ہے اور آخری دو بند کے حسین بادل حسین بارش حسین موسم حسین پانی حسین بادل حسین بارش حسین موسم حسین پانی حسین مقتل لہو کا جنگل کٹا کے سر سر گزر کا بانی حسین حمد و ثنا کی مستی حسین ایک سرز نوحہ خانی حسین شاہد حسین واحد کہاں سے لاؤ گے اس کا سانی حسین شاہد حسین واحد کہاں سے لاؤ گے اس کا سانی اور حسین دائم حسین قائم حسین خیر حیا میں گوہر حسین عالم حسین عاظم حسین کرشنا نبی کا جوہر حسین تارا لہو کا دھارا حسین تارا لہو کا دھارا حسین فتح و ظفر سراسر حسین طاہر حسین اطہر حسین اپنی جگہ قائم ہے ابھی آپ صفدر حمدانی صاحب کو سن رہے تھے میرے پاکستان جانے سے پہلے جناب صفدر حمدانی صاحب نے عاشور کاظمی کی نظر ان کی 75ویں سالگرہ پر اقتدا کیا میں اسی کو دہراتے ہوئے ان کی نظر کرتا ہوں اہل بھی اہل ساتھ تھی عاشور کاظمی اہل بھی اہل ساتھ تھی عاشور کاظمی اردو ادب کا ناز بھی عاشور کاظمی وہ جس کے خون میں دوڑتی پھرتی ہے کربلا ہر گوئی کی نماز بھی عاشور کاظمی وہ جس کے خون میں دوڑتی پھرتی ہے کربلا ہر گوئی کی نماز بھی عاشور کاظمی جناب عاشور کاظمی صاحب تشریف لاتے ہیں میں اس کے بعد آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ
آپ میرے بائیں جانب جو انعامات دیکھ رہے ہیں وہ انعامات کے دیے جائیں گے اور آپ حضرات سے گزارش کر